दिल्ली के मुखिया और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा दुश्मन किसी को माना जाता है तो वो है कवि कुमार विश्वास, जो आज भी आम आदमी पार्टी में है। लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल और उनकी सरकार को आड़े हाथों लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। फिर वो चाहे केजरीवाल पर खालिस्तानियों से दोस्ती का आरोप लगाने का हो या फिर किसी सियासी मुद्दे पर घेरना, यही वजह है कि केजरीवाल के समर्थक कुमार विश्वास से बुरी तरह से चिढ़ते हैं। और ये चिढ़ इस कदर है कि एक समर्थक ने तो कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। लेकिन फिर योगी राज में पुलिस ने उसका क्या अंजाम किया, ये आप भी देख लीजिए। दरअसल कवि कुमार विश्वास कभी आत्ममुग्ध बौना बोलकर इशारों ही इशारों में केजरीवाल को निशाने पर लेते रहते हैं, तो कभी उनके समर्थकों को नफरती चिंटू बोलकर ट्रोल करते रहते हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के बागी नेता और कवि कुमार विश्वास से केजरीवाल के समर्थक बुरी तरह से चिढ़ते हैं। और इसी चिढ़ में कुमार विश्वास के साथ साथ उनके आराध्य भगवान राम के बारे में भी गंदी गंदी भाषाएं बोलने लगते हैं। केजरीवाल के ऐसे ही एक समर्थक ने जब कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी तो इसकी शिकायत उनके मैनेजर प्रवीण पांडे ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में दर्ज करवाई। और एक ट्वीट में शिकायत की कॉपी पोस्ट करते हुए कुमार विश्वास ने लिखा, अब उन्हें और उनके चिंटुओं को मेरे द्वारा मेरे राघवेंद्र सरकार राम का महिमा मंडन करना पसंद नहीं, कह रहे हैं मार देंगे, ये सब ठीक है पर अपने चिंटुओं को बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को गाली ना बके, अपना काम करो, नहीं तो याद रखो रावण तक का वंश नहीं बचा, तुम ऐसे कौन लवणासुर हो। कुमार विश्वास ने इस ट्वीट के साथ पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत की कॉपी भी पोस्ट की, जिसमें लिखा है, कुमार विश्वास को अभी कुछ दिनों से एक व्यक्ति ईमेल के जरिए धमकी दे रहा है। ईमेल करने वाले व्यक्ति ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को बेहद अपमानजनक गंदी और अश्लील गालियां देते हुए भगवान राम का महिमा मंडन न करने की चेतावनी इन ईमेल्स में दी है। धमकी देने वाले शख्स ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कुमार विश्वास से बेहतर बताते हुए उन पर टिप्पणी न करने की चेतावनी भी दी। अरविंद केजरीवाल बेहतर है, गरीबों का भला किया, सरकारी स्कूल बेहतर बनाए आदि अपनी हालिया ईमेल में धमकी देने वाले व्यक्ति ने खुली धमकी देते हुए कहा है कि मैं शहीद उधम सिंह की शपथ खाता हूं कि मैं तुझे मारूंगा। कुमार विश्वास ने जैसे ही गाजियाबाद पुलिस से धमकी को लेकर शिकायत दर्ज कराई, पुलिस एक्शन में आ गई और सबसे पहले आरोपी लोकेश को सर्विलांस के जरिए ट्रेस किया गया, तो उसकी लोकेशन मध्य प्रदेश के इंदौर में पाई गई। तो पुलिस ने तुरंत एक टीम इंदौर भेजकर आरोपी लोकेश को दबोच लिया। इंदिरापुरम पुलिस टीम और पुलिस अधीक्षक नगर दूती की टीम के द्वारा क्षेत्राधिकारी इंदिरापुरम के पर्यवेक्षण में लोकेश शुक्ला को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास पे अमर्यादित टिप्पणी की थी और उनको धमकी भरे मेल किए थे तथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विरुद्ध भी इनके द्वारा तरह तरह की टिप्पणी अमर्यादित टिप्पणी की गई थी। इसके संबंध में उचित धाराओं में इंदिरापुरम पर अभियोग पंजीकृत करके और इनके जो मेल आए थे उसके माध्यम से सर्विलांस के माध्यम से इनको ट्रेस किया गया था, इनको पकड़ के लाया गया। जब पूछताछ की गई तो इन्होंने ये सारी घटना करना स्वीकार किया गया है और इनको उचित धाराओं में इनको न्यायालय से रिमांड स्वीकृत कराई जा रही। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपी लोकेश ने पूछताछ में बताया वो कुमार विश्वास को पहले भी कई बार ईमेल भेज चुका है, इसमें उसने खुद की लिखी कविताएं भेजी थी लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इसी बीच उसने कुमार विश्वास के कुछ बयान सुने जिसमें कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी की थी। इसी गुस्से में उसने कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी दी और अमर्यादित टिप्पणी भी की। आरोपी ने बताया कि वो अरविंद केजरीवाल को पसंद करता है, उनकी पार्टी के खिलाफ किसी भी तरह की बात नहीं सुन सकता। सर भाव विश में आके की थी मैंने सर, कुछ पहले मेरे द्वारा कुछ कविता भेजी गई थी बस उसको लेके भावेश में आके थोड़ी सी सर मैंने ऐसा मेरा कोई इरादा था नहीं, बाकी सर वो ठीक। सर भगवान के खिलाफ भी आपने टिप्पणी की थी, क्यों उनके खिलाफ?
सर भगवान तो मेरे आराध्य हैं सर, लेकिन भगवान का जिस तरीके से राम का नाम लेके सर और बगल में चोरी रखी जा रही थी, इस कारण में मैंने थोड़ा सा सर, मैं तो खुद कंठीधारी वृंदावन से दीक्षित हूँ सर, रसिका पागल बाबा जी मेरे गुरु महाराज और मैं खुद सनातन वैष्णव हूँ। तो आपने क्यों ऐसा मेल क्यों किया था, क्या मतलब मन में क्या बात? नहीं सर, उससे पहले भी मैंने उसी मेल आईडी पे कई मेल किए हुए हैं सर। आप वैसा धमकी भरा मेल क्यों किया था? नहीं सर, एक वो आवेश में आके केवल मैंने सर धमकी तो। अच्छा, आपने बताया कि आपने उसमें लिखा कि आपकी तरफ से पुलिस के द्वारा कि अरविंद केजरीवाल से आप प्रभावित थे और उनके लिए कुमार विश्वास ने कुछ बोला था, इसलिए ऐसा आपने लिखा? नहीं नहीं सर, वो कोई मैटर नहीं है। अरविंद केजरीवाल से आपने की किसी कविता को भेजा था आपने, क्या है वो, क्या कविता भेजी? सर मैंने बहुत सारी कविताएं भेजी थी। भैया एक मिनट हो गया। जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी लोकेश को गाजियाबाद पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया, तो कुमार विश्वास ने खुद योगी की पुलिस के प्रति आभार जताया। बहरहाल आपको बता दें, कुमार विश्वास को जान से मारने की धमकी देने के साथ ही भगवान राम के बारे में भी आरोपी लोकेश ने ऐसी ऐसी बातें कही थी जो पढ़ने या सुनने लायक भी नहीं है। आप पुलिस से की गई शिकायत की कॉपी में देखकर समझ सकते हैं कि खुद को केजरीवाल का समर्थक बताने वाला आरोपी लोकेश भगवान राम के बारे में क्या क्या और कैसी बातें सोचता है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि कवि कुमार विश्वास को धमकी भरे ईमेल भेजने के बाद या उससे पहले आरोपी लोकेश कभी गाजियाबाद नहीं आया था। उसने बीकॉम की पढ़ाई की हुई है और खुद को केजरीवाल का बड़ा समर्थक बताता है। बहरहाल जितनी तेजी से योगी की पुलिस ने इस आरोपी को 24 घंटे के अंदर दबोचा है, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, दिल्ली की मां बहनों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे बच्चों के लिए मैंने स्कूल बनवाया, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे परिवार के बच्चों के लिए स्कूल बनवाया, शिक्षा का इंतजाम करा, तुम्हारे बेटे को आके ये गालियां देते हैं बर्दाश्त करोगे? मैं दिल्ली के बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, माताओं से पूछना चाहता हूं, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारा बेटा बनके श्रवण कुमार बनके तुम्हारे को तीर्थ यात्रा की यात्रा करा के लाया था मैं, आज ये तुम्हारे बेटे को गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। मैं दिल्ली की मां बहनों से, माताओं से, बुजुर्गों से पूछना चाहता हूं, बर्दाश्त करोगे? इस बार दिल्ली की सफाई के ऊपर चुनाव होगा, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना है, सारे जने इकट्ठे हो जाओ, सारे जने और जितने बीजेपी वाले हैं एक एक घर जाना बीजेपी वालों के, उनका दिल जीत के आना है, उनसे लड़ाई नहीं करनी, दिल्ली के अंदर एक भी बीजेपी वाला नहीं रहेगा, सबका दिल जीतेंगे, हर एक का दिल जीतना है, लड़ाई नहीं करनी, सबसे यही कहना है कि जी इन्होंने कुछ नहीं दिया, 15 साल वोट दे के देख लिया, अपनी पार्टी में रहो, चाहे हम ये नहीं कह रहे बीजेपी छोड़ के आओ, अपनी पार्टी में रहो, लेकिन एक बार केजरीवाल को मौका दे के देखो, एक बार केजरीवाल को मौका देके देखो, दिल्ली की सफाई ना करें, 5 साल में हम दिल्ली साफ नहीं करें हमें अगली बार वोट मत देना, 5 साल में दिल्ली साफ नहीं करें हमें वोट मत देना।